कॉलेज और स्कूल पढ़ने के लिए होता है, वो फैशन शो के लिए नहीं होता है कि आप जाके फैशन शो शुरू कर दो, ये बात नहीं होता है। ये बात आपका मन में रहना चाहिए कि मुसलमान बच्चियों को भी पढ़ने का अधिकार है, उनको भी डॉक्टर बनना चाहिए, उनको भी इंजीनियर बनना चाहिए। कहां आप उनको हिजाब का चक्कर में फंसा रहा है? तो हिजाब आप पहनो, आपका घर में पहनो, जहां भी पहनो, लेकिन जब कॉलेज और स्कूल में आप जाते हो तब स्कूल कॉलेज का यूनिफॉर्म पहनो। वो यूनिफॉर्म से आपका बीच में समानता आएगा, आपका बीच में इक्वालिटी आएगा, एक दूसरे का बीच में प्यार और मोहब्बत होगा, आप आगे जा सकेगा। लेकिन कांग्रेस बोल रहे नहीं नहीं, मुसलमान बेटियों को डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, इंजीनियर नहीं बनना चाहिए, उनको हिजाब पहनना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। अरे बाबा, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पास करने का बाद वो लोग को क्या रिलायंस में नौकरी मिलेगा? उनको क्या अदानी में नौकरी मिलेगा? उनको क्या टाटा में नौकरी मिलेगा? हमारा मन में यही है कि ऐसा यूनिवर्सिटी बने जो यूनिवर्सिटी से मेरा उत्तराखंड का व्यक्ति, उत्तराखंड का बच्चा बच्ची जाके एम्स से नौकरी मिले, उनको पूरा देश में नौकरी मिले, ऐसा यूनिवर्सिटी हमको चाहिए। कि भाई आपको सरकार आने से अध्यक्ष पद दे दूंगा, उपाध्यक्ष पद दे दूंगा, लेकिन आप जाके बोलता है कि भाई नहीं नहीं, सरकार आने से आपको मैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी दे दूंगा। पर ये कौन सा सेकुलरिज्म है? ये कौन सा धर्म निरपेक्षता है? तो मेरा असम में सरकार आया, मैंने एक कानून बनाया कि कोई मंदिर का 5 किलोमीटर तक गोमांस का कोई व्यवसाय हो नहीं सकेगा, मैंने कानून बनाया। तो कांग्रेस वाला लोग असेंबली में बोला आप क्यों कानून बनाया, हम इसको विरोध करता है। मैं बोला ज्यादा विरोध मत करो, 10 किलोमीटर कर दूंगा, 5 किलोमीटर को 10 किलोमीटर कर दूंगा। आप देखिए, मुसलमान लोग आपत्ति नहीं करता है, कौन आपत्ति करता है? कांग्रेस का लोग आपत्ति करता है। इसलिए कांग्रेस तुष्टिकरण का राजनीति कांग्रेस का डीएनए बन चुका है। अरे भाई, आप क्या नमाज का दिन में ऑफिस बंद होगा? ये क्या क्या आप क्या बनाना चाहते हैं? एक जिन्ना तो देश को टुकड़ा टुकड़ा करके लेके गया है, और आप क्या, आपका जिन्ना का भूत घुस गया है क्या? ये देश को आप दोबारा टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं क्या? आज देश को मोदी जैसा नेता मिला है, ये हमारा देश का भाग्य था। कैसे कोई सोच सकता था क्या, अगर देश में कोरोना महामारी आएगा, कि भारत भी वही नेशन में होगा जो नेशन में एक नहीं दो दो वैक्सीन बनेगा, हर घर में बिजली। लोगों का मन में था कि बिजली होना चाहिए, लेकिन लोगों का सपना में ये नहीं था कि 2 साल में ही हर घर में बिजली होगा। लोगों का सपना में था कि घर में पानी मिलना चाहिए, जल मिलना चाहिए, लेकिन जल जीवन मिशन जैसा स्कीम होगा, सचमुच घर घर में जल जाएगा। आज उत्तराखंड में जैसा नेशनल हाईवे बना वो लोगों का सपना में नहीं था, आज अरुणाचल में जितना जैसा रोड बना वो लोगों का सपना में नहीं था, लेकिन आज देखिए उत्तराखंड में नेशनल हाईवे कैसे चेंज हो रहा है, कैसे परिवर्तन हो रहा है। अगर कांग्रेस ये देश में दोबारा आ जाते हैं तो कांग्रेस सचमुच ये देश का जो हालत कर देगा, वो हालत रिपेयर करने के लिए देश को और एक नरेंद्र मोदी का जन्म के लिए पता नहीं कितना साल हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा। अभी जो कर्नाटक में हो रहा है वो ज्ञान का मसला नहीं है, ज्ञान मंदिर में धर्म का मसला घुस गया। तो अगर आप हिजाब पहन के जाते हैं तो तीसर को कैसे मालूम होगा आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? या आप एक स्टूडेंट हिजाब पहन के बैठेगा क्लास में, दूसरा स्टूडेंट दूसरा ड्रेस में बैठेगा, तो ये क्या मामला हो रहा है? 3 साल पहले तो वो कॉलेज में कोई भी नहीं बोला था कि हिजाब पहनना है, अभी तुरंत वो मामला आ गया। तो ये सारा इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है। हिजाब का मामला में कोर्ट में केस होता है और सुप्रीम कोर्ट और कर्नाटक हाई कोर्ट दोनों में कांग्रेस का एडवोकेट ही खड़ा होता है हिजाब का फेवर में। तो ये देश को तोड़ने का एक षड्यंत्र है।
अभी अगर मुसलमान समाज को सबसे ज्यादा जरूरत है शिक्षा का जरूरत है, उनको हिजाब का जरूरत नहीं है। अगर मुसलमान बेटियों को सबसे ज्यादा जरूरत है डॉक्टर बनने का जरूरत है, इंजीनियर बनने का जरूरत है, उनके लिए हिजाब जरूरत नहीं है अभी। लेकिन इतना नीचे तक लेके गया है। मैं तो दो इस्लाम मानता हूँ, एक रिलीजियस इस्लाम और एक पॉलिटिकल इस्लाम, जो कांग्रेस इसको जो सपोर्ट कर रहे हैं। जो रिलीजियस इस्लाम है तो कुरान का हिसाब से जाएगा, जहां ज्ञान ही सबसे बड़ा मुद्दा होता है। लेकिन वो जो रिलीजियस इस्लाम है वो तो कांग्रेस का स्पॉन्सर्ड इस्लाम है। आप मांग करते हैं पूरे देश में हिजाब पर पाबंदी रखी जाए? देखिए, पाबंदी नहीं, कोई हिजाब नहीं पहनता है, पाबंदी क्यों लगाना चाहिए? लोग तो वहां देखिए शिक्षा संस्थानों में हमारा जो बच्ची जाता है वो तो मैथ्स पढ़ने जाते हैं, विज्ञान पढ़ने जाते हैं, हिजाब तो इश्यू ही नहीं है। तो इश्यू कांग्रेस ने बनाया इसको,